हेलो एवरीवन, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स क्लास 9th मैथ्स न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज 11.4 शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर हुज रेडियस इज। देखिए, हमें यहाँ पर स्फीयर का वॉल्यूम पता करना है। यहाँ पर दो पार्ट है और दोनों ही पार्ट में रेडियस गिवन है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो लिख देते हैं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है। देखिए, ये होता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू होता है 4/3 πr³, ठीक है। आर क्या है यहाँ पर? रेडियस है। देखिए, पार्ट फर्स्ट में रेडियस दे रखा है 7, तो मैं यहाँ पार्ट फर्स्ट लिख देता हूँ। यहाँ पर आर यानी रेडियस दे रखा है 7 सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम क्या होगा? देखिए, इसी फॉर्मूले को हम यहाँ पर लगा देते हैं, 4/3 और पाई की वैल्यू यहाँ गिवन नहीं है, तो हम लेंगे 22/7, तो 4/3 πr³। आर कितना है? 7, तो 7³ यानी 7 को हम आपस में 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब देखिए, कैंसिल आउट कर देते हैं, एक 7 से ये 7 कैंसिल आउट हो गया, और 3, देखो 3 से तो कुछ कैंसिल आउट नहीं होगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब ऊपर हम सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा देखते हैं। देखिए, ये तो आ गया, देखिए 4 × 22, ये तो आ गया 88, ठीक है, और 7 × 7 = 49/3। अब एक काम करते हैं, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर 3 से डिवाइड करेंगे। 4312 अपॉन में जो 3 है, इसको हमने ऐसे ही रहने दिया। अब देखिए, वॉल्यूम निकाल लेना, तो वॉल्यूम आएगा हमारा क्यूब में, यानी सेंटीमीटर में दे रखी रेडियस, तो जो वॉल्यूम आएगा हमारा सेंटीमीटर क्यूब में। अब देखो, यहाँ पे हम या तो हम डिवाइड करके पॉइंट में आंसर निकाल दें, या फिर हम इनको क्या करें, मिक्स्ड फ्रैक्शन में निकाल देते हैं। एक काम करते हैं, इनको मिक्स फ्रैक्शन में लिख देते हैं। देखो, 3 से इसको हम डिवाइड करेंगे ना, तो देखो 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3, बचेगा 1, 1 और 3 13, 3 × 4 = 12, फिर से 1 बचेगा, 1 और 1 11, तो 3 × 3 = 9, ठीक है, बचेगा 2, 2 × 2 = 22, 3 × 7 = 21, रिमाइंडर क्या बचेगा? 1, 1 को हमने ऊपर लिखा और अपॉन में जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो, यानी अपॉन 3, ये आ गया हमारा सेंटीमीटर क्यूब में, ठीक है। चाहो तो आप इसे डेसिमल में भी इसका आंसर निकाल सकते थे, ठीक है। तो पार्ट फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो गया, पार्ट सेकंड देखते हैं। पार्ट सेकंड में देखिए, यहाँ पर रेडियस दे रखे 0.63 मीटर, तो यहाँ लिख देते हैं r = 0.63 मीटर। यहाँ पर भी हम सेम यही फॉर्मूला लगा देंगे, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 πr³, ठीक है। तो यही फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 4/3 π यानी 22/7, ठीक है, इंटू आर क्यूब। आर कितना है? 0.63, तो इंटू 0.63 इंटू 0.63 इंटू 0.63, क्यूब है ना, तो क्यूब का मतलब हम इसको 3 बार आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए, 7 से 0.63 है ना, तो इसको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, 7 × 1 = 7, देखिए पहले ही पॉइंट है तो हम पहले ही पॉइंट लगा देंगे, 7 × 9 = 63, तो देखिए यहाँ गलती मत करना, 09 आएगा, ठीक है। 7 में यहाँ बहुत बच्चे गलती क्या करें, 0.9 लिख देंगे, ठीक है, ध्यान रखना, क्योंकि 6 7 से कम है, या 6 जो है 7 की टेबल में नहीं आएगा, तो एक और डिजिट लेंगे 3 यानी 60, तो 7 9 जा, ठीक है, तो 0.09 आएगा, ठीक है, यहाँ ध्यान रखना, गलती मत करना। और कुछ बचता है? और तो देखो 3 से कुछ, हाँ 3 से ये कैंसिल आउट हो सकता है, 3 × 1 = 3, तो देखो कितना आएगा, 0.0 और 3 × 3 = 9, 0.03। क्या बचा? 4 × 22 यानी कि यह हो गया 88 इंटू 0.03, या आप इसको 0.03 लिख सकते हैं, इंटू 0.63 इंटू 0.63। अब क्या करेंगे, अब इनको सबको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, और जो आंसर आएगा हमारा वो क्या आएगा, क्यूब में, यानी मीटर में रेडियस है, तो मीटर क्यूब इसका आंसर आएगा, यानी इसकी यूनिट मीटर क्यूब में आएगी। इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखिए आंसर आएगा 1.047816, ठीक है, ये आंसर आएगा। ध्यान रखना, जो मल्टीप्लाई करके आएगा ना, तो 2 डिजिट यहाँ 2 डिजिट यहाँ यानी 4, और 2 यहाँ यानी कि 6, तो 6 डिजिट से पहले हमें यहाँ पॉइंट लगाना है, 1 2 3 4 5 6 के बाद हमने यहाँ पे पॉइंट लगा दिया, और आंसर आएगा हमारा किसमें, मीटर क्यूब में, ठीक है। इसको आप अप्रोक्स कितना लिख सकते हैं, 1.05 लिख सकते हैं, ये जो 7 है ये 7 5 से बड़ा, तो एक डिजिट हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, यानी कि हम यहाँ पे 4 में 1 प्लस कर देंगे, तो 4 + 1 = 5, इसको हम लिख सकते हैं 1.05 m³, ठीक है, ये इसकी अप्रोक्स वैल्यू हो गई। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया, अब करते हैं शुरू क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय ए सॉलिड स्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर
देखिए यहाँ पे दो डायमीटर दे रखे हैं, हमें अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस पता करना है। एक कोई सॉलिड स्फेरिकल बॉल है, अगर वो हम पानी में डालेंगे तो अपने वॉल्यूम के बराबर पानी को डिस्प्लेस कर देगी, ठीक है। अगर हम किसी पानी के कंटेनर में एक स्फीयर को डालेंगे तो कितना वाटर डिस्प्लेस कर देगा, वो अपने वॉल्यूम के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पर हमें वॉल्यूम पता करना है, और ये जो दे रखे हैं हमें दो पार्ट, इनमें दोनों में हमें डायमीटर गिवन है, तो वॉल्यूम निकाल लेते हैं आसानी से। तो सबसे पहले तो हमें वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का पता होना चाहिए, तो वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बॉल लिखें या वॉल्यूम ऑफ स्फीयर लिखें, दोनों का फॉर्मूला क्या होगा, एक ही होगा। क्या होगा, स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है यानी कि 4/3 पाई आर क्यूब, ये होता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का। तो पार्ट फर्स्ट में देखिए यहाँ पर डायमीटर दे रखा है, तो यहाँ से हम रेडियस निकाल सकते हैं, तो रेडियस क्या होता है डायमीटर का हाफ, यानी 28/2 कितना आ जाएगा 14, और इसकी यूनिट क्या होगी सेंटीमीटर। वॉल्यूम का जो फॉर्मूला है यहाँ हम इसको पुट कर देते हैं, तो वॉल्यूम इक्वल टू 4/3 पाई यानी कि 22/7, तो 4/3 पाई आर क्यूब, आर यानी कि 14 जो है ना इसको तीन बार लिख देंगे, आर हमारा 14 है, तो 14 का क्यूब यानी 14 × 14 × 14, ठीक है। कैंसिल आउट कर देते हैं 7 से, 7 × 2 = 14, ठीक है। 3 से कुछ कैंसिल आउट होगा, 3 से यहाँ कुछ भी कैंसिल आउट नहीं होगा, तब हम क्या कर देंगे ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे और 3 से डिवाइड कर देंगे। तो देखो 4 को 22 से करेंगे तो ये तो हो जाएगा देखिए 88 इंटू 14 इंटू 14 होगा 196, 14 का स्क्वायर 196 होता है, और 196 को 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखिए कितना आएगा 392, ठीक है 392, और डिवाइड में अपॉन में कितना बचा 3, और जो हमारा आंसर आएगा वॉल्यूम निकालने तो आएगा हमारा सेंटीमीटर क्यूब में, क्योंकि रेडियस हमारा गिवन है सेंटीमीटर में। अब क्या करेंगे इनको पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है 88 को 392 से, ये आ जाएगा 34496, ठीक है इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आ गए इतना, और अपॉन में लिख देंगे हम 3। अब क्या करना है देखिए, या तो हम इसको पॉइंट में निकाल लें, या तो हम इनको डिवाइड करके डेसिमल मान से निकालें, या फिर हम क्या करते हैं यहाँ पर इनको मिक्स फ्रैक्शन में निकाल देते हैं। देखिए 3 से इसको डिवाइड करते हैं, 3 1 जा 3, ठीक है 1 जाएगा, फिर 3 ये 4 है तो फिर से 3 1 जा 3 बचेगा 1 1 और 4 14, यानी 3 4 जा 12, फिर बचेगा 2 2 और 9 29, 3 9 जा 27, फिर से 2 बचेगा 2 और 6 26, 3 8 जा 24, क्या बचेगा जो रिमाइंडर में बचेगा 2, तो 2 को हम लिखेंगे ऊपर और अपॉन में लिख देंगे जिससे डिवाइड कर रहे हैं यानी कि अपॉन में 3, और ये आ जाएगा हमारा सेंटीमीटर क्यूब में, ठीक है। तो ये हमारा वॉल्यूम आ गया, ठीक है, चाहो तो आप इसे डेसिमल में भी निकाल सकते थे। पार्ट फर्स्ट हो गया, पार्ट सेकंड देखते हैं। पार्ट सेकंड में देखिए डायमीटर दे रखा है 0.21, ठीक है, तो यहां से हम पहले रेडियस लिख लेते हैं, तो रेडियस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0.21 मीटर में, ठीक है ध्यान रखना है मीटर में, अपॉन में कितना आ जाएगा 2, ठीक है ये मीटर में। अब वॉल्यूम का जो हमारा सेम फॉर्मूला है ऊपर वाला ये वाला लगा देते हैं, तो वॉल्यूम इक्वल टू, चलिए मैं ना इसको एक बार ब्लॉक में बंद कर देता हूँ, जब भी आप कोई क्वेश्चन करें उसमें जो फॉर्मूला है ना तो कोशिश कीजिए उसको ब्लॉक में बंद करो, ताकि जो टीचर जब भी कॉपी चेक करेगा ना तो सबसे पहले फॉर्मूले पर ही उसकी निगाह जाएगी, ठीक है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला यहाँ पुट कर देते वैल्यू, तो 4/3 पाई यानी कि 22/7, 4/3 पाई आर क्यूब, आर कितना दे रखा है इतना, तो इसको हम तीन बार आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि क्यूब होता है ना, क्यूब है, तो 0.21/2 × 0.21/2 × 0.21/2, ठीक है जो कैंसिल आउट होता है उसको कैंसिल आउट कर देंगे। 7 से इसको डिवाइड कर देते हैं, देखो 0.21 है तो इसको कैसे काटेंगे, 7 1 जा 7, नीचे तो 1 7, देखो पहले ही पॉइंट है तो पॉइंट लग गया, 7 3 जा 21, आप यहाँ डायरेक्ट 3 मत करना गलती से, क्योंकि जब 7 से डिवाइड करेंगे ना तो 2 छोटा है तो ना जाने का पहले 0 आएगा, ठीक है तो कितना आ गया 7 से इसको कैंसिल आउट किया तो 0.03, ठीक है। और कुछ कैंसिल आउट होगा, देखिए 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 2 जा 4, इस 2 से ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, और इस 2 से ये 22 को काट देंगे, 2 1 जा 2 2 11 जा, ठीक है। नीचे बचा 3, तो 3 से एक और यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 1 जा 3 3, देखो कितनी बार पॉइंट लग गया पहले ही, 3 7 जा 21, फिर से यहाँ पे क्या आएगा 0, क्योंकि 3 से 2 ये छोटा है, 3 7 जा 21 पॉइंट लगा देंगे। नीचे देखो कुछ बचा, कुछ भी नहीं बचा, अब जो बचता है वो यहाँ पे लिख लेते हैं, ऊपर बचा यहाँ पर 11 इंटू यहाँ बचा 0.03 × 0.07 इंटू लास्ट में बचा 0.21, सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, आसानी से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, देखिए 11 3 जा
कितना हो जाएगा 33, 11 33 होता है, डेसिमल लगाना है हमें, एक दो दो डिजिट से पहले है तो एक दो दो डिजिट से पहले हमने यहां पर लगा दिया और ये लिख दिया, ठीक है। इनटू, अब देखो ऐसे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यहां पर हम फिलहाल जीरो भूल जाते हैं, तो ये 7 है और लास्ट में 21 है, ठीक है। तो 7 वन जा 7 7 वन जा यहाँ 7 और 7 2 जा कितना हो गया 14, ठीक है। अब देखो यहाँ पॉइंट कितने के बाद लगेगा, एक दो, दो से पहले यहाँ है और दो से पहले यहाँ है, तो 2 और 2 4, तो 4 डिजिट से पहले पॉइंट लगना है, 1 2 3 और 0 लगा दिया हमने 4 के लिए और पॉइंट, यानी कि 0.0147, 0.0147 से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा वो 1 2 3 4 चार डिजिट यहाँ और 2 यहाँ, 6 डिजिट से पहले यहाँ पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करके आंसर लिख देते हैं, तो ये आ जाएगा देखिए 0.004851, ठीक है। और क्योंकि मीटर में था तो आंसर भी आ गया हमारा मीटर क्यूब में, ठीक है। इस तरह से पार्ट सेकंड का वॉल्यूम आ गया, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया। अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। द डायमीटर ऑफ ए मेटेलिक बॉल इज 4.2 सेंटीमीटर। देखिए एक मेटल की कोई बॉल है जिसका डायमीटर दे रखा है 4.2 सेंटीमीटर। व्हाट इज द मास ऑफ द बॉल, हमें यहाँ पे उस बॉल का मास पता करना है, ठीक है। इफ द डेंसिटी ऑफ मेटल इज 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। देखिए यहाँ पर मेटल की डेंसिटी दे रखी है। देखिए आपने साइंस में जो चैप्टर है फिजिक्स में ग्रेविटेशन चैप्टर, उसमें पढ़ाते हैं डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मैं आपको एक बार याद दिला देता हूँ। डेंसिटी जो होती है वो इक्वल होती है मास अपॉन वॉल्यूम के, डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। हमें यहाँ पर मास पता करना है, तो देखो मास निकालेंगे तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है। मास इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो हमें यहाँ डेंसिटी गिवन है, वॉल्यूम हम निकाल लेंगे, ठीक है। मास निकालेंगे तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी गिवन है, वॉल्यूम हम निकाल लेते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मास पता पड़ जाएगा, ठीक है। ये मत सोचना कि मैथ्स में फिजिक्स नहीं यूज होते, देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट है ये कि कभी कभी यूज हो जाते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ डायमीटर गिवन है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये लिख लेते हैं, यानी कि रेडियस कितना आ जाएगा, रेडियस आ जाएगा 4.2 डिवाइड बाई 2, कितना आ जाएगा 2, देखिए 2 2 जा 4, 2.1 सेंटीमीटर, ये आ गई रेडियस। डेंसिटी गिवन है, ठीक है, डेंसिटी को हम यूज करेंगे बाद में, चलिए मैं फिलहाल यहाँ पे लिख भी देता हूँ एक बार। डेंसिटी इक्वल टू दे रखिए 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब क्योंकि ये एक मेटेलिक बॉल है, यानी कि ये एक स्फीयर है, तो हमें वॉल्यूम ऑफ स्फीयर पता होना चाहिए। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, मैं यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ फॉर्मूला, ये होता है 4/3 πr³, ठीक है। और क्योंकि हमने ये फॉर्मूला लिखा है तो इसको हम ब्लॉक में बंद कर देते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ फॉर्मूला लगा देते हैं, वी इक्वल टू 4/3 और पाई की वैल्यू हम यहाँ ले लेते हैं 22/7, तो 4/3 πr³, आर कितना दे रखा है 2.1, तो इंटू 2.1 इंटू 2.1 इंटू 2.1 तीन बार, ठीक है। कैंसिल आउट कर देते हैं 7 को 2.1 से, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, ठीक है। तो पॉइंट लगा देंगे पहले और 3 लिख देंगे, ठीक है, तो क्या होगा 0.3। चलिए और 3 से हम चाहो तो इसको कैंसिल आउट कर दें, चाहे इसको कैंसिल आउट कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए पहले इसी को कर देते हैं, 3 1 जा 3, यानी कि 0.01 आ जाएगा, ठीक है, 0.01, ठीक है, 0.01 नहीं, सॉरी 0.3 था ना, 0.3 था, तो सिर्फ 0.1 आ जाएगा, कितना आ गया 0.1, सॉरी थोड़ी सी कटिंग हो गई है, ठीक है, 0.3 हो जाएगा, ठीक है। अब एक काम करते हैं, जो बचता है वो लिख देते हैं, क्या बचा 4 × 22, ये हो जाएगा 88 इंटू, ये क्या बचा 0.1 और इंटू यहाँ पर कितना 2.1 इंटू 2.1, सबको मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं कितना आता है। देखो 88 को 0.1 से करेंगे तो ये तो आ जाएगा 8.8 इंटू 2.1 इंटू 2.1 है 21 × 21 होता है हमारा 441, ठीक है। अब एक डिजिट से पहले यहाँ पॉइंट, एक से यहाँ पॉइंट, तो एक और एक दो, तो एक दो, दो से पहले यहाँ पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। तो 8.8 × 4.41, ये जो हमारा आंसर आएगा वॉल्यूम निकाल लेना, तो ये आएगा हमारा सेंटीमीटर क्यूब में, क्योंकि रेडियस हमारे सेंटीमीटर में थी, तो वॉल्यूम आएगा हमारा सेंटीमीटर क्यूब में, ठीक है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आएगा 38.808, ये आ गया हमारा वॉल्यूम, यानी कि सेंटीमीटर क्यूब में, ठीक है। अब क्योंकि हमसे पूछा था मास, तो देखिए यहां लिख देता हूं, देयरफॉर मास इक्वल टू क्या आ जाएगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, तो वॉल्यूम दे रखा है हमारा 38
पॉइंट एट सॉरी 38.808 ये वॉल्यूम है इंटू डेंसिटी गिवन है 8.9। तो 8.9 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 345.39। ठीक है, इतना आंसर आ जाएगा। और क्योंकि मास है तो ये किलोग्राम या ग्राम में आएगा। अब क्योंकि गिवन है हमारा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो जो हमारा आंसर आएगा मास वो आएगा हमारा इतना, तो 345.39 ग्राम इसका मास आ गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। तो देखिए यहां पर जो मून का डायमीटर दे रखा है वो डायमीटर ऑफ अर्थ के 1/4 दे रखा है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ डायमीटर ऑफ मून को, मैं डी एम लिख लेता हूँ। ठीक है, डायमीटर ऑफ मून ये दे रखा है 1/4 द डायमीटर ऑफ अर्थ, यानी कि डायमीटर ऑफ अर्थ को मैं डी ई लिख लेता हूँ। ठीक है, पूरा ना लिख करके इसको शॉर्ट में लिख लेता हूँ। अब देखिए डायमीटर है 1/4 अर्थ के डायमीटर के, तो यहाँ पर रेडियस भी होगा। कैसे होगा मैं यहाँ पे आपको एक बार बता देता हूँ। देखो डायमीटर क्या होता है, 2 × रेडियस, तो 2 × रेडियस, तो रेडियस ऑफ मून के लिए मैं क्या लिख लेता हूँ, आर एम। ठीक है, 2 × rm इक्वल टू क्या होगा, 1/4 को मैंने ऐसे ही लिखा, और डी ई डायमीटर ऑफ अर्थ कितना होगा, 2 × रेडियस, तो रेडियस ऑफ अर्थ को मैंने लिख दिया 2 re। ठीक है, तो देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचा, वही तो बचा रेडियस ऑफ मून इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ अपॉन 4। ठीक है, तो देखो यहां मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो क्या आएगा, 4 × rm इक्वल टू आर ई, या फिर हम ये लिख सकते हैं आर ई इक्वल टू 4 rm। ठीक है, तो यहाँ पे हमें मून का जो रेडियस है और अर्थ का रेडियस उनके बीच में एक रिलेशन मिल गया। अब देखिए हमें जो पूछा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ मून, अर्थ का वॉल्यूम जो है मून के वॉल्यूम के कितने फ्रैक्शन में है। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं वॉल्यूम ऑफ मून अपॉन वॉल्यूम ऑफ अर्थ निकाल लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें फ्रैक्शन पूछा ना तो हम यहीं से निकाल लेते हैं। देखिए वॉल्यूम ऑफ मून, मून क्या होता है, मून भी एक स्फेरिकल फॉर्म में होता है, स्फेरिकल शेप में होता है, तो वॉल्यूम ऑफ मून क्या होगा, ये देखो होता है 4/3 πr³। एम क्यों ले रहा हूं, क्योंकि मून के लिए हमने रेडियस आर एम लिया। ठीक है, क्यूब। अब देखिए ऐसे ही वॉल्यूम ऑफ अर्थ क्या होगा, देखिए वॉल्यूम ऑफ अर्थ में यहां लिख देता हूं, अर्थ का भी फॉर्मूला यही होगा 4/3 πr, अर्थ के लिए मैं आर ई ले लेता हूँ। ठीक है, स्फीयर का तो फॉर्मूला दोनों में सेम होगा। ठीक है, 4/3 πr³, तो रेडियस ऑफ अर्थ क्या होगा, आर ई का क्यूब। अब क्योंकि हमें फ्रैक्शन चाहिए ना, तो दोनों को हम यहाँ पर डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, 4/3 से 4/3 कैंसिल आउट हो गया, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया। देखो आर एम क्यूब क्या बचा, आर एम क्यूब इसको ऐसे ही लिखा अपॉन जो आर ई क्यूब है, देखिए आर ई की जगह मैं लिख देता हूँ 4 rm, क्योंकि ये गिवन है तो मैं लिख देता हूँ 4 rm। अब क्योंकि ये क्यूब भी है तो यहाँ गलती मत करना, बहुत बच्चे गलती करते हैं कि सिर्फ इसी का क्यूब कर देते हैं, नहीं आर ई क्या, ये 4 rm ये पूरा है, तो इस पूरे का होल क्यूब होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखनी है बात। तो आर एम क्यूब को हमने ऐसे ही लिखा अपॉन, देखिए क्यूब लग रहा है तो ये 4 का भी होगा और आर एम का भी, 4 का हो जाएगा 4 × 4 = 16, 16 × 4 = 64। ठीक है, 4 का क्यूब 64 और आर एम का क्यूब को हम ऐसे ही रहने देंगे। तो देखिए आर एम क्यूब कैंसिल आउट हो गए, क्या बचा ऊपर 1 और नीचे क्या बचा 64। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो गया। मिलते हैं चलिए नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 के साथ। ओके, थैंक यू।